एक लड़की को बंधक बनाकर उसका यौन शोषण किया जा रहा था। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये घटना जब लोगों के सामने आई तो लोग सकते में आ गए। नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सिद्धार्थ शुक्ला आपका स्वागत करता हूं। अभी अभी जो आपने देखा, क्या ये सिर्फ एक शारीरिक शोषण की घटना थी या उस वैशी दरिंदे ने और भी कोई घिनौना गुनाह किया था उस लड़की के साथ? वो लड़की कौन थी और वो कैसे इस दरिंदे के चंगुल में फंस गई थी? इसका जिम्मेदार कौन था? क्या ये लड़की इस दरिंदे को जानती थी या ये एक अनजान आदमी की करतूत थी? क्या वो यहां से आजाद हो सकी? ये जानने के लिए आइए देखते हैं यूपी में घटी ये सनसनीखेज वारदात। अभी नहीं, बहुत जल्दी में शाम को, ठीक है? आ गई जाने मन। सलमा, अरे बात तो सुनो। हाँ, बहुत खूबसूरत लग रही हो। अरे शर्मा के चली गई, एक दिन तो तुम्हें अपनी बना के ही छोड़ूंगा। खाला, या अल्लाह, कितनी बार मना किया आपको काम करने से, लेकिन आप है कि सुनती नहीं है। चलिए छोड़िए सर, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। और डांटो सलमा इसे, और डांटो तुम। भाई मेरी बात तो सुनती नहीं है, वैसे तो अपने खालू को आज किस बात के लिए डांट रही है? खालू, आप ज्यादा मजे ना लीजिए, अगर आपने खाला का ध्यान नहीं रखा ना तो आपको भी बहुत डांट पड़ेगी। या अल्लाह, सलमा तो आज बहुत गुस्से में है। इतनी देर कहाँ लगा थी, कहाँ थे आप? रास्ते में रहीम भाई मिल गए थे, उन्हीं से बात करने में देर हो गई। अब वो आ गए हैं। ये आप टिफिन लीजिए, आप खाइए और खालो को भी खिला देना, मैं चलती हूँ, बाद में आके टिफिन ले जाएंगे। या अल्लाह, इसको किसी की नजर ना लगे, हमेशा खुश रहे, कितनी प्यारी बच्ची है। हाँ सलमा, सचमुच बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन रहीम भाई ने इसका रिश्ता गलत जगह तय कर दिया। मुझे ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं। क्या छुपा रहे अब्बू? कुछ भी तो नहीं, तुझे तो बेवजह शक करने की आदत है। आज तो हमारी बेटी बहुत खूबसूरत लग रही है। रहने दीजिए अब्बू, जब भी आपको छुपा रहे होते हैं तो हमेशा मेरी ऐसी तारीफ करते हैं। चलिए हटिए। अरे क्या कर रही है सलमा? ये क्या है अब्बू? सलमा, वो मैं तुझे बताने ही वाला था कि। रहने दीजिए अब्बू, आपने तो जुबान दी थी ना कि आप मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, फिर भी। और ये निकाह का जोड़ा, आपको कितनी बार बोला है कि मुझे निकाह नहीं करना है, अगर आप मैं निकाह कर लूंगी तो आपको कौन देखेगा? सलमा मेरी बात तो सुन, आप रहने दीजिए अब्बू प्लीज। अरे सलमा, मैं तुझे। खाला, मुझे इतनी जल्दी निकाह नहीं करना। ऐसा नहीं कहते बेटा, हर लड़की को एक ना एक दिन निकाह करना ही पड़ता है। वजह फरमाया आपने भाभी जान, अहमद बहुत ही अच्छा लड़का है। वो सब तो ठीक है रहीम मियां, लेकिन इतनी जल्दबाजी क्यों है? जरा सोच समझ कर फैसला लिया करो। मैंने पूरी तफ्तीश करने के बाद ही फैसला लिया है, मेरे पास वक्त बहुत कम है। दुबई में इतनी अच्छी नौकरी बार बार नहीं मिलती। जब तक हाथ पाँव में जान है तब तक पैसा कमाना, जिससे मेरी बच्ची को जिंदगी में कभी भी कोई तकलीफ ना हो। और आपकी तकलीफ का क्या अब्बू? आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है अब्बू, और आप गैर मुल्क में जाके पैसे कमाएंगे, वो भी मेरे लिए। कैसी बातें कर रही हो तुम सलमा? बेटियां तो अल्लाह का नूर होती हैं, और बेटियों का निकाह बाप के लिए बोझ नहीं जिम्मेदारी होती है। एक बेटी का निकाह बाप के लिए फख्र की बात होती है। और तू नहीं चाहती क्या कि कयामत के दिन तेरे अब्बू का सर फख्र से ऊंचा रहे? अब्बू, अगर आपको मेरे निकाह से खुशी मिलती है तो मैं निकाह करने के लिए तैयार हूँ। आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। छोड़ो मेरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे यहाँ आने की? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? देखो मुझसे दूर रहो, समझे? एक बात याद रखना, मैं तुमसे नफरत करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। तुम यहाँ से चले जाओ, निकलो यहाँ से। निकाह विकास सिर्फ जमाने के लिए है, समझी तुम?
और तुम्हारे मेरे रिश्ते को किसी निकाह की जरूरत नहीं है। तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा। तुम अब नहीं हो सकी तो निकाह के बाद से। आवारा कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आने की? अगर तो फिर दोबारा सलमा के आसपास भी दिखाई दिया ना तो तेरा वो हश्र करूंगा कि तू कयामत तक भी याद रखेगा, समझा? इतनी गंदी हरकत से सलमा का निकाह तोड़वाना चाहता है? चला जाओ, अगर दोबारा आया ना तो वो हश्र करूंगा कि सोच भी नहीं सकता। सलमा तू बिल्कुल फिक्र मत कर, अहमद बहुत ही नेक और बहादुर लड़का है, वो तेरी हिफाजत भी करेगा और तुझे खुश भी रखेगा। अपनी अब्बा की बात पे यकीन है ना तुझे? मेरी बच्ची, नदीम शाह वल फहीम शाह आपको सलमा बेगम के अब में सिक्के राजुल वक्त 11,000 मुबलिक दिया जाता है, क्या आपको कबूल है? कबूल है। आपको कबूल है? कबूल है। मुबारक हो। मुबारक हो। सलमा बेगम आपको नदीम शाह वल फहीम शाह के अब्द में मुबलिक 11,000 रुपये सिक्के राजुल वक्त दिया जाता है, क्या आपको निकाह कबूल है? बोलो बेटा। कबूल है। मुबारक हो। मुबारक हो। मुबारक हो। ये तो तुम्हारे घर के पापड़ों के टेनिस पेपर है, इसकी क्या जरूरत है? इसका क्या करूंगा मैं? इरफान भाई मेरी आज की टिकट है, मैं आज दुबई जा रहा हूँ, न जाने फिर कब लौट कर आऊँ। इस दरमियान अगर सलमा और सलमा के शोहर को किसी भी वजह से पैसों की जरूरत पड़े तो मेरा ये घर और मेरी ये जमीन बेचकर उनकी जरूरत को पूरा कर देना। इरफान भाई इस दरमियान अगर सलमा को कोई औलाद होती है तो मेरी ओर से ये पायल सलमा को दे देना और ये लॉकेट उसकी होने वाली औलाद को दे देना। ठीक है, मैं रख लेता हूँ, लेकिन मेरे पास ये तुम्हारे अमानत के तौर पर रहेगी। पराए मुल्क में अपना ख्याल रखना रहीम भाई। अच्छा इरफान भाई अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। अल्लाह ने चाहा फिर दोबारा मुलाकात हो। बिल्कुल, अपना ख्याल रखना, आप भी अपना ख्याल रखना। अक्सर लोग रोजगार के लिए अपने नाते रिश्तेदारों को छोड़कर दूसरे मुल्कों की तरफ रुख करते हैं जहां उन्हें अच्छी तनख्वाह मिले, लेकिन कई कम पढ़े लिखे लोग विदेश जाकर मुश्किल परिस्थितियों में अपनी रोजी कमाते हैं। उनकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि सालों तक वो वापस नहीं आ पाते और घर परिवार से उनका सारा संपर्क तकरीबन टूट जाता है, जैसा कि रहीम के साथ हुआ जब वो 7 साल बाद दुबई से वापस लौटा। एक चौंका देने वाली घटना उसका इंतजार कर रही थी। तो क्या थी ये घटना? कहीं इस घटना की वजह से रहीम की जिंदगी में एक तूफान तो नहीं आने वाला था? ले आओ उसको, मिलियो मैं खुद। जी सर। रख दो, रख दो, इधर ही रख दो। कितना हुआ? 50 रुपये। ले लो। अरे रख लो भाईजान, आज मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है, आज मैं बरसों बाद अपनी बेटी का चेहरा देखने वाला हूँ। रख लो। जी कहिए, किससे मिल रहा है? जी माफ कीजिएगा, ये मेरी बेटी सलमा का घर है, मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ, जरा उसे बुलाइएगा। अरे अहमद मियां कैसे हैं आप? क्या लेने आए? यहाँ लेने आया हूँ। अरे ये मेरी बेटी सलमा का घर है, मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ। बेटी से मिलने आए हैं? हाँ वो बच्चलन। बच्चलन जबान संभाल के अहमद मियां। क्या जबान संभाल के, जिसे आप मेरे गले में बांध रहे दुबई भाग गए थे, वो भी मुझे भाग के छोड़ के।
खुदा। मेरी बेटी सलमा भाग गई, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा। अरे आज तो बड़ा प्यार आ रहा है, कल तक तो इतने गुस्सा था। आज तक हमारी मोहब्बत में कमी आई है जो आ जाएगी। तुम सलमा, सलमा अब बोलो क्या जो मैं देखा वो गलत है या भी तुम कहोगे मैं सच कर रहा हूँ? आप मुझे गलत समझ रहे हैं, आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं कर रहे? मैंने उसे नहीं बुलाया था, वो खुद आया था। अल्लाह की कसम, अपने अब्बू की कसम, प्लीज मुझ पे विश्वास कीजिए। बकवास मत करो। उस दिन के बाद उसका कोई अता पता नहीं, मुझे नहीं पता वो कहाँ पे। मेरा निकाह हो चुका है, अब यहाँ पे तमाशा खड़ा करने के बजाय अपनी बेटी को ढूंढिए, जाइए यहाँ से। अहमद, तुमने मेरी बेटी सलमा को ढूंढने की कोशिश भी नहीं की, तुमने पुलिस में जाकर रिपोर्ट भी दर्ज नहीं कराई। अरे क्यों करूं मैं रिपोर्ट दर्ज? ऐसी बच्चन और औरत की रिपोर्ट दर्ज करा के अपनी इज्जत मिट्टी में मिलाता। वो आज ही भागी है, उसको भागे हुए अरसा हो चुका है। अरे अहमद मेरी बात सुनो, अहमद कहाँ है सलमा? जाइए उसके यार से पूछिए। कहाँ ढूंढूं सलमा को? या खुदा मदद कर। सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप इस घर में किराएदार हैं क्या? ये मेरा घर है। किराएदार? नहीं जनाब, ये घर मेरा है, मैंने इसे खरीदा है। ऐसा कैसे हो सकता है? ये मेरा घर है, पड़ोस में मेरे दोस्त इरफान कुरैशी रहते हैं, उनके पास इस घर के कागजात हैं, मैं अभी लाकर आपको दिखाता हूँ। कोई फायदा नहीं है, इरफान भाई सब कुछ बेच बाज के मुरादाबाद चले गए और ये घर मैंने उन्हीं से खरीदा है। इरफान ने मेरा घर बेच दिया? ऐसा कैसे हो सकता है, वो किसी को भी मेरा घर कैसे बेच सकता है? इरफान भाई का कोई पता ठिकाना है आपके पास? आप बता सकते हैं मुझे? हाँ, आखिरी बार मैंने उन्हें मुरादाबाद में देखा था, एक चौक में, उनका कोई लोहे का दुकान है, अब वहाँ जाके पता करो। शुक्रिया। तो आप इतने सालों के बाद यहाँ आए और यहाँ आकर के आपको पता लगा कि आपकी बेटी लापता है और आपके दोस्त ने आपका घर भी बेच दी, और अभी आपको ये भी नहीं मालूम है कि आपकी बेटी कब से गायब है और आपका दोस्त कहाँ है? जी इंस्पेक्टर साहब। भाई आप अपने घर की तो फिक्र ना कीजिए, क्योंकि यकीनन वो घर गैर कानूनी तरीके से बेचा या खरीदा गया होगा, तो वो आपको मिल जाएगा, उसकी फिक्र ना कीजिए। अच्छा ये बताइए कि आपके घर के सारे कागज आपके नाम पर थे ना? जी इंस्पेक्टर साहब, कागजात तो मेरे ही नाम पर थे। भाई मियाँ, मैं आपकी कंप्लेन तो लिख ले रहा हूँ, लेकिन अभी मैं आपकी कोई बहुत ज़्यादा मदद नहीं कर सकता, क्योंकि आपका केस बहुत पुराना है और हमारे पास करंट में बहुत सारे केसेस हैं, तो पहले मुझे इन पर काम करना पड़ेगा, बाद में छानबीन करते रहेंगे, ठीक है? लेकिन आप परेशान मत होइए। जी इंस्पेक्टर साहब। भाईजान, अरे रहीम मियां कब आए? आओ आओ बैठो बैठो बैठो।
इरफान मियां, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। तुमने मेरे जाते ही मेरा घर भेज दिया। इतना बड़ा धोखा क्या तुमने मेरे साथ? मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया रहीम भाई, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। अरे दुबई जाने के बाद तुम तो जैसे गायब ही हो गए, ना कोई फोन ना कोई खत, और मैं भी क्या करता। ऊपर से ये भी पता नहीं कि तुम कब आओगे, और ऊपर से नूरी की तबीयत और दिनों दिन खराब होती चली गई। मजबूर होकर मैंने अपना और तुम्हारा घर बेच दिया। उससे जो पैसे मिले वो सब नूरी के इलाज में खर्च हो गए। लेकिन तुम चिंता मत करो, मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं एक एक पैसे चुका दूंगा। मुझे अपने घर की फिक्र नहीं है, मुझे अपनी बेटी की फिक्र है। सलमा कहाँ है? सलमा कहाँ है मतलब? सलमा अपने शौहर के पास होगी, और कहाँ जाएगी? इरफान भाई, वो वहां पर नहीं है। अहमद ने बोला कि वो सलीम के साथ भाग गई है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था रहीम भाई कि अहमद अच्छा लड़का नहीं है, लेकिन तभी तुम मेरी बात पर गौर नहीं किए। सलमा के साथ वो बहुत बुरा सुलूक करता था। एक दिन सलमा से मिलने उसके घर गया था। क्या हुआ बेटा? वो खाला कुछ नहीं, गुसल खाने में पैर फिसल गया था तो थोड़ी सी चोट लग गई। हमें इतनी नादान मत समझो सलमा, गुसल खाने में गिरने से सर पे चोट आती है, आंखों के नीचे नहीं। खैर अब्बू की कोई खबर? रहीम ने अभी तक ना ही कोई फोन आया ना खत। सलमा, ओ सलमा। अरे आप आ गए, देखिए ना खाला जान आई है। आ गई मुफ्त की रोटियां तोड़ने, खैरात खाना समझ रखा है? बाप का पता नहीं, पड़ोसी आगे आराम करने वाला खाने। ये कैसी बात कह रहे हैं अमन मियां? कोई क्या अपनी बीवी से इस तरह बात करता है? मेरी बीवी है, जैसे था वैसे बात करूंगा। आप कौन होते दखल अंदाजी करने वाले? अगर ज्यादा फिक्र है ना, इसे लेके चले जाओ। और तुम यहाँ पे खड़ी खड़ी मुँह क्या देख रही हो? जाओ जाके खाना निकाल के लाओ। वो खालू आए थे, मैं अभी बना देती हूँ। तुम है ना इनके साथ बातें करती रहो, घर की कोई जिम्मेदारी तो है नहीं तुम्हारी। मेरी तो तकदीर ही खराब थी, तुम जैसी बीवी मिली मुझे। अब तुम ही बताओ, ऐसी हालत में मैं सलमा से फिर कैसे मिलने जाता? मेरे जाने से सलमा की तकलीफें और बढ़ जाती, अहमद उस पर और जुल्म करता, इसलिए मैं दोबारा वहां नहीं गया और यहां चला आया। इरफान भाई, मुझे माफ कर देना, मैंने बेवजह आप पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। अरे नहीं रहीम भाई, कोई बात नहीं। अरे तुम मेरे दोस्त हो। अरे यार तुम्हारी बातों का कैसे बुरा मानना? देखो घर चलते हैं, वहीं बैठकर बात करेंगे, चलो। अल्लाह पे भरोसा रखिए भाईजान, वो सब ठीक कर देंगे। क्या सोचा था और क्या हो गया? अगर मैं दुबई नहीं गया होता तो आज मेरी सलमा मेरे पास होती। इस तरह अपने आप को क्यों कोसते हो रहीम भाई? अल्लाह पर भरोसा रखो, सलमा मिल जाएगी। लेकिन रहीम भाई, इतना वक्त क्यों लग गया आने में? क्या बताऊं इरफान भाई, वहां जाकर मैं फंस गया। उन लोगों ने मेरे पासपोर्ट और वीजा अपने कब्जे में ले लिए, लेकिन मुझे जैसे ही मौका मिला मैं वहां से भाग आया। पर क्या यहां आकर ये सब कुछ देखना पड़ा? पता नहीं कहां होगी मेरी बेटी सलमा। मुझे तो लगता है ये सब सलीम का किया धरा है। ढूंढना पड़ेगा उस बदजात को, वही सलमा का पता बताएगा। रुकिए रहीम भाई, रुकिए, ऐसे गुस्से में जाने से क्या फायदा है? बात बिगड़ जाएगी, हिम्मत से काम लीजिए, बैठिए। इरफान भाई, ये नूरी की देखभाल और उसका ख्याल रखने के लिए मैंने इसी की रजामंदी से दूसरा निकाह कर लिया। आप चाय पीजिए ना, इसे अपना ही घर समझो रहीम मियां। तुम्हारा जब तक मन करे तब तक तुम यहां रहो आराम से। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान भाई, मुझे अपनी बेटी को खोजना है और जाकर उस बदजात सलीम को पकड़ना है। अल्लाह हाफिज़।
भाईजान सलीम को जानते हो? हाँ। कहाँ मिलेगा? वो चौराहे पे दारू का अड्डा है, उधर मिलेगा वो। शुक्रिया। सलीम, कहाँ है मेरी बेटी? मौत! बता मेरी बेटी कहाँ है? बेटी! अरे सठिया क्या बूढ़े? अरे एक मिनट नहीं लगेगा तुझे मारने में। मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया था ना? अरे जा जाकर उससे पूछ, जिसके साथ अपनी बेटी का निकाह पढ़वाया था। पूछा था उससे? उसने बताया था कि तू सलमा से मिलने के लिए उसके घर पर जाता था। इसी वजह से, तेरी वजह से सलमा घर से भाग गई। अरे झूठ बोल रहा है वो कमजोर इंसान। मेरी वजह से नहीं भागी वो, उसके जुल्म से तंग आकर भागी है। हाँ ये बात सच है कि मैं उसका पीछा किया करता था, लेकिन जब उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया तो मैंने भी उसका पीछा करना छोड़ दिया। मुझे उसके बारे में कुछ नहीं मालूम, खामखा मेरा मूड खराब कर दिया। चलो रे, अरे चलो। जो भी गलती हुई हो उसके लिए माफ कर देना और मेरी बच्ची से मुझे मिलवा दे। या खुदा, कहीं इरफान की दूसरी बीवी सलमा तो नहीं? सलमा एक बार सच बोल दो कि तुम्हें मेरी बेटी सलमा हो। देखो अपने अबू से कुछ मत छिपाओ। मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम्हारे बेटे ने जो लॉकेट पहन रखा था वो मेरी मरहूम बीबी का था, और तुमने जो पायल पहन रखी है ये भी मेरी मरहूम बीबी की है। ये सब कुछ तुम्हारे पास कहां से आया? सलमा, सलमा, ये रख लो सलीम भाई। अब मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं एक एक पैसा चुका दूंगा, मुझ पे यकीन करो। कैसी बातें कर रहे हैं इरफान भाई? मैंने कौन सा तकादा किया? जब हो तब दे देना। सलीम से सलमा के बारे में कुछ पता चला? अंदर जाओ, जाओ अंदर, बाहर जाने की क्या जरूरत है, जाओ अंदर। इरफान भाई, आपसे जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी किया, उसके लिए मैं तुम्हें माफ करता हूं। मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, मुझे पैसों की भी कोई जरूरत नहीं। मुझे बस इतना बता दो कि मेरी बेटी सलमा कहाँ है। ये क्या बकवास कर रहे हैं तुम? और मैंने क्या किया है और तुम किस बात के लिए मुझे माफ कर दोगे? इरफान भाई, तुम्हारी दूसरी बीवी के पैर में जो पायल है और तुम्हारे बेटे के गले में जो लॉकेट है वो मेरी मरहूम बीवी का है, जो मैंने तुम्हें दुबई जाने से पहले सलमा और अपने नवासे के लिए दिए थे। दिए थे कि नहीं दिए थे बोलो भाभी जान? आप भी झूठ का साथ दे रही हैं। मैंने आपके सामने जेवर दिए थे भाभी जान। तुम चुप रहो, चुप रहो, तुम मुझसे बात करो, मुझसे बात करो। तुम्हें क्या लगता है वो जेवर तुम्हारे थे? और किसके? अरे अहमद ने जब सलमा को पीटा था ना, मैंने वो सारे जेवर सलमा को दे दिए थे ताकि अहमद उस पर और जुल्म ना करे, और तुम मुझ पर शक कर रहे हो, मुझ पर? अरे मेरी बीवी और बच्चे का जेवर एक जैसे हैं, इसका मतलब वो जेवर तुम्हारे हैं। और क्या? देखो रहीम भाई, बेहतर है कि इस वक्त तुम मेरे घर से तशरीफ ले जाओ। हमारा तुम्हारा जो भी रिश्ता था वो सब खत्म हो गया, तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। निकल जा बाहर यहाँ से, निकलो। इरफान भाई, मैं सलमा का पता लगा के रहूंगा। कितनी बार बोला है तुझे कि जब घर में कोई मेहमान है तो बाहर मत आया करो, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है क्या? बार बार समझाना पड़ता है तुझे। रहीम की बात से इरफान को इतना गुस्सा क्यों आया कि उसने रहीम को घर से निकाल दिया और अपनी दूसरी बीवी को भी डांटने लगा? उसके इस बर्ताव से तो साफ जाहिर था कि दाल में कुछ काला है।
आखिर रहीम की बातों ने उसे इतना क्यों डरा दिया? इरफान की दूसरी बीवी और उसके बच्चे के पास अपनी मरहूम बीवी के जेवर देखकर रहीम का इरफान की दूसरी बीवी पर शक करना लाजमी था। क्या रहीम इरफान की दूसरी बीवी का सच जान पाया? क्या रहीम का शक सही था? आदाब भाभी जान, माफ कीजिएगा भाभी जान, मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि सलमा है कि नहीं। एक बार ये अपना नकाब उठाकर अपना चेहरा दिखा दें। अगर ये सलमा नहीं हुई तो मैं चुपचाप यहां से चला जाऊंगा और फिर जिंदगी भर आपको अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। खुदा के वास्ते मेरे ऊपर रहम कीजिए भाभी जान। आपको कोई गलत फहमी हुई है भाई जान, आप मेरे शौहर पे ये कैसा घिनौना इल्जाम लगा रहे हैं। अल्लाह का कसम खाकर कहती हूँ, ये आपकी बेटी सलमा नहीं है। परवरदिगार का वास्ता भाभी जान, एक बार इनका चेहरा दिखा दीजिए तो मुझे तसल्ली हो जाएगी। लीजिए, देख लीजिए मेरा चेहरा, नहीं हूँ ना मैं सलमा। मेरा नाम जूबी है, जूबी, सलमा नहीं। और अब आपको अल्लाह का वास्ता, मेरे घर और मेरे शौहर पर रहम कीजिए और अब हमें बख्श दीजिए। पता नहीं कहाँ है मेरी बच्ची, मुझे उसे अकेला छोड़कर दुबई नहीं जाना चाहिए था। इरफान भाई पर भी मुझे शक नहीं करना चाहिए था, पर मैं क्या करता। मुझे माफ कर दे मेरे मौला, तू तो सब पर रहम करता है। मुझे रास्ता दिखा मेरे मौला, मुझे मेरी बेटी सलमा से मिलवा दे मेरे मौला। हाँ, 4 बजे मीटिंग रख लीजिए, हम पहुंच जाएंगे। जी हाँ, ठीक है। हाँ, मैं बात में कॉल करता हूँ। जनाब सारा काम हो गया। वेरी गुड, अच्छा काम कर लेते हो रहीम मियां। काफी है, जरूरत हो तो ले लेना। अरे जनाब ये तो बहुत ज्यादा है, ये मेरा हक नहीं है, ये आप रख लीजिए। अमर रख लो, ये तुम्हारा हक है, हक मेहनत का। ये हक का नहीं है जनाब, अगर आप मेरे ऊपर मेहरबानी करना चाहते हैं तो अपनी दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। आपकी दुआओं की जानिब से अल्लाह ताला की तरफ से बरकत मिलेगी। आप काफी ईमानदार इंसान है रहीम मियां, और हाँ हम आपसे बहुत मुतासिर हैं। जिंदगी में कभी भी किसी भी तरह की मदद की जरूरत पड़े बेतकल्लुफ चले आना। शुक्रिया जनाब। या मेरे मौला, तूने मुझे रास्ता दिखा दिया, अनवर साहब मेरी मदद कर सकते हैं, लेकिन काफी अरसा गुजर गया, अनवर साहब मुझे पहचानेंगे भी या नहीं। हेलो हेलो जनाब, जनाब मैं रहीम अंसारी, इलेक्ट्रीशियंस, आपके बैंगलो में वायरिंग का काम किया था मैंने। आपने पहचाना जनाब, आपने कहा था कि कोई भी जरूरत हो तो बेतकल्लुफ चले आना। हाँ हाँ रहीम मियां, कैसे हो? अरे आपको कैसे भूल सकते हैं, आप जैसे ईमानदार लोग अब कहाँ मिलते हैं। रहीम मियां इतने सालों के बाद, सब खैरियत तो है? कहो कैसे याद किया। बहुत ही मुसीबत में हूँ जनाब, आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। रहीम मियां आपकी आवाज से लग रहा है कि आप परेशानी में हैं, आ जाइए हमारे गरीब खाने पे। जनाब अब तो मेरी बेटी से मिलने की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी है। रहीम मियां परेशान मत होइए, ये बताएं पुलिस ने क्या कहा। उन्होंने शिकायत तो दर्ज कर ली लेकिन कहा कि पुराना केस है, जब नया केस खत्म होगा तो तुम्हारे केस पर गौर फरमाने की सोचेंगे। आप फिक्र न करें रहीम मियां, पुलिस अब आपकी बेटी की तलाश जरूर करेगी। चलिए मेरे साथ। जी जनाब चलिए। अरे नेताजी आपने आने की तकलीफ क्यों करी, अब फोन कर देते हैं, खुद चले आते आपके पास।
इंस्पेक्टर, तुम अगर अपनी ड्यूटी ठीक से करते ना तो हमें यहाँ आने की नौबत ना आती। और क्या हो रही मियाँ के केस का? नहीं सर, हमने कंप्लेन दर्ज कर ली है। और क्या है कि रहीम मियाँ का केस काफ़ी पुराना है सर, और हम कुछ करंट केसेस पर काम कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सारा पुराना केस है। क्या पुराने केस की तहकीकात नहीं होती? सॉरी सर, हम आज से छानबीन शुरू कर देंगे। रहीम मियाँ, कोई भी परेशानी हो तो मुझे कभी भी कॉल कीजिएगा, ठीक है? शुक्रिया जनाब, अल्लाह ताला आपकी हर मुराद पूरी करे। हाँ तो रहीम मियाँ, अभी तक जो कुछ भी हुआ है सब कुछ साफ साफ और सच बताइए। केस काफी पेचीदा है, जिस जिस पे शक है सबसे पूछताछ करनी पड़ेगी। शर्मा कहाँ है? सर मुझे नहीं पता था, सब 3 साल से गायब है सर। सर उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं सर। अच्छा, सब मेरा निकाह हो गया। निकाह हो गया? दूसरा निकाह करने के चक्कर में तूने शर्मा को घर से बाहर निकाल दिया? हाँ नहीं सर, वो खुद भाग गई सर। सर उसका किसी का चौक रहता था। तूने थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई? कैसे रिपोर्ट कर दर्ज कराता था? इसलिए नहीं कराई कि बोलने वाले हंसेंगे कि अपनी बीवी को संभाल नहीं पाया। मैंने सुना है कि तू सलमा को मारता भी था, हाँ? तूने मार तो नहीं दिया उसे? नहीं सब, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सब, मारता जरूर था, पर एक दिन पहले सलीम के साथ उसे रगे हाथ पकड़ा था साहब, उसके बाद सब गायब हो गई साहब। देख, तेरी अगर एक बात भी झूठी निकली ना तो जिंदगी भर अपने पैरों पर चल नहीं पाएगा तू। चलो उठ। हाँ सलमा कहाँ है? सलमा? हाँ कौन सलमा साहब? अच्छा कौन सलमा? हाँ तू ये ना जो उसका पीछा किया करता था। साहब मैं किसी सलमा को नहीं जानता साहब। अब अगर एक बार भी झूठ बोला ना तो यही ठोक दूंगा तुझे। साहब मेरा यकीन कीजिए, मैं सलमा को नहीं जानता साहब। नहीं जानता? पांडे ओके सर। साहब मेरी बात तो सुनिए साहब, मैं आपको बताता हूँ साहब, उसके निकाह के बाद में उसका पीछा किया करता था, लेकिन जब उसने मुझसे मुंह फेर लिया तो मैंने उसका पीछा करना छोड़ दिया साहब। साहब मेरा यकीन कीजिए, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता साहब। तो भी सलमा कहाँ है? इरफान कुरैशी का क्यों नहीं ढूंढते? रहीम चचा के जाने के बाद सलमा का और कोई नहीं था यहाँ पर। ठीक है, अभी के लिए छोड़ रहा हूँ, लेकिन एक बात भी तेरी झूठी साबित हुई ना तो ठोक डालूंगा तुझे, समझे? आओ। पांडे तुम इस सलीम पर और अहमद पर कड़ी नजर रखो। चलो अब इरफान कुरैशी को दबोचते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। फिर उस समय मैं अलीगढ़ में था साहब, एक दिन सलमा रोते हुए मेरे घर आई थी, उसके शौहर ने उसे बहुत पीटा था साहब। कुछ दिन तक मेरे घर पर रहने के बाद एक दिन अचानक गायब हो गई। मैंने उसे बहुत ढूंढा साहब, बाजार में किसी ने बताया वो किसी को देखकर उसके पीछे अबू जान कहते हुए चली गई, उसके बाद कभी वो लौटी नहीं साहब। मैंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की साहब, लेकिन वो नहीं मिली, और मेरी बीवी की तबीयत नासाज थी इसलिए हम लोग यहाँ आ गए। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता साहब। तो ये बात तुमने रहीम अंसारी क्यों नहीं बताई? बताने का मौका ही नहीं मिला साहब, तो वैसे आया तो बेटी के खो जाने के सदमे में था, दिन रात अपने आप को कोसता रहता था कि किस दरिंदे के साथ मैंने अपनी बेटी का निकाह करवा दिया। इस हालत में अगर मैं उसे सब कुछ बताया था साहब तो उस पर क्या बीतती। एक दिन मेरी दूसरी बीवी जूबी को सलमा समझ बैठा साहब, सलमा मेरी बेटी जैसी ही थी साहब, लेकिन वो खैर इस घिनौनी हरकत के लिए मैंने उसे घर से बाहर निकाल दिया साहब। क्या करता साहब, साहब आप सलमा को ढूंढिए ना, पता नहीं सलमा कैसे होगी। ठीक है तुम जाओ, चलो।
इन तीनों के पास सलमा के बारे में तीन अलग अलग कहानियां हैं और तीनों अपने आप को बेकसूर बता रहे हैं। ये केस इतना पुराना है कि कोई सुराग भी आते नहीं आ रहा है। अब जब तक इन तीनों में से कोई एक अपना जुर्म कबूल नहीं करेगा हमें सच्चाई का पता नहीं चलेगा। लेकिन साहब कोई भी अपना जुर्म क्यों कबूल करेगा? इंस्पेक्टर साहब, सलमा के बारे में कुछ पता चला? कहाँ है मेरी बेटी? रहीम मियां, अभी तो सलमा के बारे में कुछ नहीं पता चला है, कोई सुराग भी हाथ नहीं आ रहा है। अब आप क्या करेंगे इंस्पेक्टर साहब? अब तो एक ही रास्ता बचा है, शायद उससे कुछ काम बन जाए। इरफान भाई, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर बेवजह शक किया। बहुत घिनौना इल्जाम लगाया आपने मेरे ऊपर रहीम मियां, और किस उम्मीद के बिना पर आप मुझे माफी मांग रहे हैं? एक मिनट इरफान कुरैशी साहब, अभी सब यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, बताता हूँ आपको। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि आपको मैंने एक साथ यहाँ क्यों बुलाया है, बताता हूँ। सलमा के आखिरी बार देखे जाने की बात पर आप तीनों ने अलग अलग बयान दिया। अभी से एक बात तो जाहिर होती है कि आप तीनों में से कोई एक तो झूठ बोल रहा है, और जो झूठ बोल रहा है ना उसी की वजह से सलमा गायब। अब हर रास पर से पर्दा उठ जाएगा क्योंकि सलमा हमें मिल चुकी है और वो खुद आकर सारे रास पर से पर्दा हटा देगी। हवलदार, सलमा को लेके आओ। इंस्पेक्टर साहब, ये क्या मजाक है? एक मिनट, अभी सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अहमद, सलीम, घर जाओ। अरे आप कहाँ चले इरफान मियां? जब मैंने कहा कि सलमा आ रही है तो तेरे अलावा सबकी नजर दरवाजे की तरफ थी, तू सर झुकाए नीचे बैठा हुआ था। क्यों? हाँ, क्योंकि तुझे तो पता था ना कि सलमा तो यहाँ है नहीं, आएगी वो कहाँ से? हाँ, क्योंकि मार जो दिया तूने उसे। एक दिन अहमद ने सलमा को बहुत पीटा था तो वो अहमद का घर छोड़कर मेरे घर आ गई। अरे सलमा, क्या हुआ, तू क्यों रो रही है? पता नहीं कब तक ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीनी पड़ी, कब आएंगे अब्बू? तू क्यों फिक्र करती है, मैं हूँ ना तेरा हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए। तू परेशान मत, मेरे साथ रह, मजे करेंगे, ठीक है? तो सुन सुन, क्या कर रहा? मेरे अब्बू के दोस्त है, हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? अरे अब्बू बोल के ना मेरा दिल मत तोड़, अपने आशिक का दिल मत तोड़, तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस मेरी बाहों में। हाँ, ये क्या करे? आना देखो, आप मेरे अब्बू से उससे चाहिए, खाला तो चाहिए, खाला तो चाहिए। अरे सुन, अरे क्या करे बच्चे जैसे? अच्छा बेटा, चलो ना, चलो ना, चलो ना, तुझे सब पता नहीं होगा। खाला छोड़, खाला अब इस कैसे में छोड़, अरे छोड़े हो, खाला बंद कर, छोड़ दो मुझे, तो चिंता मत कर, तुझे कुछ नहीं होगा, तू यहाँ मजे से रह। तू डर मत, तुझे कुछ नहीं होगा, तू मेरे साथ रह, आराम से रह, प्यार से रहेगी ना, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं कहूंगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, तू सिर्फ मेरी बन के रह, मेरी बन के रह तू। सुन, डर मत, सुन, तू मुझे उठने छोड़ेगी ना? मेरी बात सुना नहीं है तो ठीक है, अगर तू मेरी नहीं तो किसी और की नहीं। तूने मेरे
स्कूल की बच्ची के साथ इतना बड़ा गुनाह किया? रहीम मियां शांत रहिए, इस दरिंदे के खून से अपने हाथ गंदे मत कीजिए, इसे कानून सजा देगा और सख्त से सख्त देगा। जाओ इसे। खालू कहती थी वो तुझे। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। चाहे कोई कितना भी करीबी दोस्त या रिश्तेदार क्यों ना हो, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा करना सही नहीं है। रिश्ते भरोसे पर ही आधारित होते हैं, लेकिन हमें सतर्क रहना चाहिए क्योंकि किसी की भी नियत कभी भी बदल सकती है और हमें नुकसान पहुंचा सकती है। रहीम को उसके दोस्त इरफान ने ही धोखा दिया और उसकी बेटी सलमा की जान ले ली। ऐसे हालात में कोई भी इंसान टूट जाता है, लेकिन रहीम ने हार नहीं मानी, अपनी बेटी के लिए लड़ता रहा और आखिर में अपनी बेटी सलमा के गायब होने के राज पर से उसने पर्दाफाश कर दिया। अदालत ने इरफान को सलमा का शारीरिक शोषण करने के जुर्म में दोषी करार देते हुए आईपीसी सेक्शन 354 और सलमा के कत्ल के जुर्म में दोषी मानते हुए सेक्शन 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई। मुजरिमों से सुरक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ कानून की नहीं बल्कि हमारी भी है और इसके लिए हम यूपी वासियों को अभी कदम उठाना होगा, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। फिर होगी मुलाकात यूपी में जुर्म को मुंह तोड़ जवाब देते हुए एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ। तो सावधान।